हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह ESP क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1C का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 1C का थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ाई किया था, तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नांकित में खाली स्थान में, देखिए चिन्ह दिया है, ये बड़ा का चिन्ह दिया है और ये बराबर का और ये छोटा का, में से जो उपयुक्त है वही इन ब्रैकेटों में जो है भरना है। तो देखिए हम लोग एक बार मैं थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। जैसे हमने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा, अब ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कि 6 बड़ा है। जब 6 बड़ा है तो इसमें हम जो है इस प्रकार का साइन लगाएंगे, ऐसे। ये संबोधित करता है, खुला वाला भाग संबोधित करता है कि ये क्या है, बड़ा है, और ये नोक वाला भाग ये संबोधित करता है कि ये छोटा है। और जैसे कोई संख्या अगर इक्वल हो जाती है, जान रहे हैं कि 4-4 बराबर होता है, तो इसमें जो है इस प्रकार का साइन हमको देना है। ऐसे ही जो है इन बॉक्सों में हम लोग को फिल करना है। आइए देखते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है क में -4/7 और 6/13, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जान पाएंगे कि इसमें हमको क्या भरना है, बड़ा का चिन्ह लगाना है कि छोटा का चिन्ह लगाना है कि बराबर का चिन्ह लगाना है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम आप लोगों को जो है बताए थे कि जब हम हर को जो है इक्वल कर लेते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को जब हम इक्वल कर लेंगे, तो हमको आसानी से जो है पता चल जाएगा कि कौन संख्या जो है बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर को जो है इक्वल कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम हल करते हैं, -4/7 और 6/13। तो देखते हैं, ये दिया है -4/7, तो -4/7 इस परिमेय संख्या में जो है इस हर का गुणा अंश और हर हम दोनों में करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। 13 7 गुणे, इसमें भी हम 13 ले लेते हैं, और ये 6/13 है, तो इस हर का गुणा जो है अंश और हर दोनों में हम कर लेते हैं इस परिमेय संख्या में, इसमें भी हम 7 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 7 से गुणा कर देते हैं। देखिए 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। ये देख लेते हैं 13 7 कितना हो जाएगा, 91, 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 13 7 कितना हो जाएगा, 91। तो देखिए इस केस में क्या पता चल रहा है कि हर दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो -52 और ये 42, तो आप लोग को पिछले वाली वीडियो में ही बता दिया गया है कि जो माइनस वाली संख्या होती है सदैव क्या होती है, छोटी होती है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 42, 42/91 आ गया, मीन्स क्या ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो साइन क्या लगाएंगे, हम इस तरीके का साइन लगाएंगे ऐसे, तो इसमें हम जो है इस तरीके का साइन लगा लेंगे। अब ये साइन ये संबोधित कर रहा है कि -4/7 जो है छोटी हो गई और 6/13 क्या हो गई, बड़ी हो गई। आइए ख वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, बस ध्यान से आप लोग बात को तो जो है सुनिए, देखिए बात समझ में आ जाएगी। ख वाले में क्वेश्चन बोल रहा है, -4/5 और ब्रैकेट दिया है -5/7, तो इस हर का गुणा जो है अंश और हर हम दोनों में इस परिमेय संख्या में करते हैं, तो -4 हो जाएगा, गुणे इस हर का गुणा कर देंगे अंश में 7 से,
और हर में भी गुणा कर देंगे सात से, और ये माइनस पाँच बटा सात है, इस हर का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं तो सात चौक कितना हो जाएगा अट्ठाईस, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सात पचे कितना हो जाएगा पैंतीस, यह हो जाएगा पाँच पचे पच्चीस, वो भी माइनस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। सात पचे कितना हो जाएगा पैंतीस। तो अब देखते हैं माइनस अट्ठाईस अंश प्राप्त हो गया और इसमें माइनस पच्चीस अंश प्राप्त हो गया। तो हमने बताया था कि इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि माइनस अट्ठाईस जो बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या के आगे जो माइनस लगा होता है वो क्या होती है, अगर जितनी भी बड़ी संख्या होगी, जैसे दो संख्या हमने लिख दिया माइनस पैंतालीस और लिख दिया हमने माइनस अंठावन, तो जो जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसके आगे माइनस लगा है तो छोटी होती है, और जो कम वाली संख्या होती है उसके आगे माइनस लगा है तो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें हम पता कर सकते हैं, तो ये क्या संख्या होगी, छोटी होगी और ये बड़ी होगी। इसका मतलब माइनस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे माइनस चार बटा पाँच और माइनस पाँच बटा सात, तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला साइन, यहाँ पे पहले इसको रफ़ का काम करके जो है, रफ़ का काम हो रहा है, हल नहीं हो रहा है, रफ़ का काम करके जो है हम पता कर रहे हैं कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, तभी तो इसमें हम साइन दे पाएंगे। अब हम लोग ग वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से आप लोग को देखना है, सुनना है, समझना है। ग वाला क्वेश्चन बोला है माइनस सात बटा आठ, ब्रैकेट दिया है भरने के लिए, इक्कीस बटा माइनस चौबीस। तो देखिए इसको यहीं पे हम हल कर लेते हैं, माइनस सात बटा आठ और दिया है इक्कीस बटा माइनस चौबीस। तो देखिए ये जो है बड़ी संख्या अभी है, इसको हम छोटा कर लेंगे तो हमको गुणा उड़ा करने में आसानी होगी, आप लोग को भी आसानी होगी, देखते हैं कैसे। तो जिस हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जिस संख्या से अंश में गुणा भाग करेंगे उसी संख्या से हर में भी क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कौन सी संख्या ऐसा लेंगे, देखिए तीन से ले लेते हैं, तीन सत्ते इक्कीस, तीन नवा कितना हो जाएगा चौबीस, तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस सात बटा आठ, सात बटा माइनस आठ। तो देखिए अब आठ है, आठ दोनों में तो आ गया, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो माइनस सात बटा आठ हो जाएगा और इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारा, हर दोनों बराबर हो गया और आंसर भी माइनस सात, इसमें भी माइनस सात आ गया, तो क्या हो गया संख्या हमारी क्या होगी, बराबर होगी। इसमें बराबर का साइन दिया है तो यहाँ पर हम बराबर का साइन लगा देंगे। घाव वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ का काम है, आप रफ करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, बस इसमें हमको साइन देना है कौन बराबर है कौन छोटा है कौन बड़ा है। घाव वाला हम लोग देखते हैं, दिया है माइनस नौ बटा माइनस दस और दिया है आठ बटा नौ। तो पहले तो हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं आसानी के लिए, तो हो जाएगा क्या 9 बटा 10, ये हो जाएगा 8 बटा 9, आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ बगल में लेते हैं तो देखिए इस हर का गुणा जो है अंश और हर हम दोनों में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 नवा 81 हो जाएगा, और 9 दवा में कितना हो जाएगा ऐसे लिख देते हैं, आप लोग को बात नहीं समझ में आएगी, तो 9 गुणे 9 बटा 10 गुणे 9, इसके बाद 8 बटा 9, अभी शहर का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे तो गुणे हो जाएगा 10, गुणे हो जाएगा 10। अब कर देते हैं 9 नौ कितना हो जाएगा 81, 10 नवा 90, यह हो जाएगा 10 अठे 80, 10 नवा 90,
यहाँ पे 10 / 8 80 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर हर दोनों सेम बराबर हो गया, और जब हर जब दोनों भिन्नों का बराबर हो जाएगा तो जिस भिन्न का अंश जो है बड़ा होता है वही भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे 80 है, यहाँ पे हो गया 81, तो 81 वाला भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं -9/-10 क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम इसमें कैसे लगाएंगे साइन, इस प्रकार का साइन लगाएंगे। ये खुला वाला भाग जो है संबोधित कर रहा है, बता रहा है कि ये भिन्न बड़ी होगी और ये क्या होगी, छोटी होगी। ये नोकीला वाला भाग बताता है कि ये छोटा है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। ये रफ का काम है, हमने रफ करके इसको सॉल्व किया है। आप जो है रफ करके सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन गलत हो सकता है। अंदाज से नहीं काम करना है, कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप लोग को काम करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझ में आता होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, उसका सलूशन दिया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।